हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिलपट्टी, तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करिए। और बिल्कुल मार्केट जैसी बनाना बताएंगे। तो बनाने के लिए हमने ये तिल लिया है, तो आप कोई भी कटोरा या कोई भी माप के ले सकते हैं। तो बिल्कुल जितना तिल लेना है उतनी ही आपको गुड़ लेना है। तो तिल को हम सबसे पहले भून के और तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल आप इस तरीके से देख के बनाओगे तो मार्केट स्टाइल में आपकी तिलपट्टी बनके तैयार हो जाएगी। इतनी क्रिस्पी बनेंगी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए तिल हमारे भुनने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका साइज भी डबल हो चुका है, फूलने लग जाते हैं तिल भुनने के बाद में। तो तिल को हम साइड में कर दिए हैं। तो चलिए अब इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसमें 2 से 3 चम्मच हम पानी की ऐड करेंगे। और जितना हमने तिल लिया उतनी मात्रा में हम लिए हैं गुड़। आप वैसे नाप के लोगे तो इसमें की कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। अगर वजन से लोगे तो 300 ग्राम आपको तिल लेने, तो 300 ग्राम ही आपको गुड़ लेना है। तो इसके हम अच्छे से क्रिस्टल तक की इसकी चाशनी तैयार करेंगे। और ये हमने 1 चम्मच घी लिया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो इससे बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी आपकी तिलपट्टी में। तो चाशनी हमारी तैयार हो रही, तब तक हम इसके लिए चौकी और बेलन को अच्छे से घी लगा के और तैयार कर लेंगे। तो एक साइड में हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसका गुड़ है जो अच्छे से पिघल चुका है। और आप इसको देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसके झाग बनने लगे हैं, बबल्स आने लगे। तो आपका इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे करके इसके बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे। या आप एक कटोरी में पानी लेके उसमें डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं चाशनी हमारी गाढ़ी होने लगी है। तो चलिए अब इसको चेक करेंगे। पानी की कटोरी लिए हैं। और फ्लेम हमारे को बिल्कुल लो रखनी है। तो उस टाइम हम चेक करे थे तो हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई थी। तो चलिए अब इसको दोबारा से चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़े भी हो चुके हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर भी इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये देख सकते हैं चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कितने अच्छे से टूट रही है इसकी गुड़ की चिक्की है, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए अब इसको तिल को ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम आपको फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है। और इस टाइम आपको प्रोसीजर बहुत ही जल्दी जल्दी करनी है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जम जाता है इसमें गुड़ की चाशनी है जो। अगर आपको छोटी साइज में इसको बनाना है तो आप छोटे छोटे बोल्स तैयार करके बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको कोई भी एक बर्तन में जमा सकते हैं घी लगा के, और फिर इसकी बर्फी पीस भी कट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा तिल और गुड़। तो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे इलायची पाउडर।
और ये लिया हमने पिस्ता, तो इसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसके हम गैस बंद कर दिए, तो इसको जल्दी जल्दी करके इसकी बोल बना के और इसको बेल लेंगे। तो इस साइज की लेनी है आपको, छोटी या बड़ी जो भी पसंद है उसी शेप में बना सकते हैं। और थोड़ी सी इसके ऊपर पिस्ता लगा के और इस तरीके से बिल्कुल आसानी से मार्केट स्टाइल में बिल के तैयार हो जाएंगे। जितनी पतली बनाओगे उतनी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी, ये कुरकुरी तिलपट्टी बन के तैयार हो जाएगी। और बहुत ही सावधानी से आपको इसको बेलना है कि बहुत ज्यादा गर्म है अभी हमारा तिल और गुड़ है जो। तो ये देख सकते हैं बिल चुका है और बिल्कुल आसानी से निकल भी जाएगी ये तुरंत में, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये भी हमारी बिल के तैयार हो चुकी है। तो देख सकते हैं जो बाकी बचा है हम उसको एक साथ उसमें बेल के और रख दिए हैं चौकी के ऊपर। तो इस तरीके से इसको बर्फी पीस में तैयार कर लेंगे। आपको जैसा पसंद हो उसी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी बिल्कुल आसानी से तुरंत में निकल भी चुकी है ये। तो ये देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आप इसको एक बार जरूर बना के ट्राई करें। तो देखिए हमारी सभी तिलपट्टी बनके तैयार हो गई दोनों तरीके की, देख सकते हैं। और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनी है, परफेक्ट। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं तो आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। तो ये हमने सर्विंग प्लेट लिया, तो इसमें सर्व कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट मार्केट स्टाइल में हमारी तिलपट्टी बनके तैयार हो गई। तो चलिए एक हम आपको तोड़ के दिखाएंगे और इतनी परफेक्ट बनी है। तो हमारे सिंपल तरीके से तिलपट्टी बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।